जैसा कि आप सब इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट जो हैं हायर एजुकेशन के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं, उनको तरह तरह की डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, और इवन के जम्मू कश्मीर में भी फार फ्लाइंग एरियाज में जो बच्चे हैं उनको परफेक्ट काउंसलिंग नहीं मिलती है, उनको कोई गाइड नहीं करने वाला होता, और वो आगे जाकर हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हम निजामिया एजुकेशन ग्रुप इसी फोकस को नोटिस में रखते हुए मार्केट में उतरे हैं। हमारा मेन फोकस जो है इस जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को मुख्य धारा से जोड़ना है। इसी के लिए हमने रिसेंटली 13 जनवरी को यहीं पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमने निजामिया स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया था। निजामिया स्कॉलरशिप टेस्ट में हम टॉप 500 स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन दे रहे थे, टॉप 2000 स्टूडेंट्स को लैपटॉप दे रहे थे, टॉप 3000 स्टूडेंट्स को हम टेबलेट दे रहे थे, और जिसके लिए हमने यहाँ पे बच्चों को उसे फॉर्म कलेक्ट करवाए थे और एक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा था, लेकिन कोविड की वजह से हमें वो टेस्ट जो है वो पोस्टपोन करना पड़ा, हालात ने हमारा साथ नहीं दिया। उसके बाद हमने उसकी दोबारा डेट जो है अनाउंस की, लेकिन दोबारा कोविड की वजह से हम वो टेस्ट नहीं कंडक्ट करवा पाए। उसके बाद निजामिया की मैनेजमेंट ने ये बात डिसाइड की कि जो जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है उनके मेरिट बेस पे उनकी सिलेक्शन की जाए, ठीक है। उसके बाद मेरिट बेस पे बच्चों की सिलेक्शन की, इसके अलावा हम एक निजामिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का टेस्ट जो है वो भी लॉन्च करने वाले थे, जिसमें हम बच्चों का जो हिडन टैलेंट है वो चेक करके उसको जिसमें वो एक्सपर्ट है उसी कोर्स में उसको हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते थे, ताकि बच्चा जो इंजीनियरिंग का है उसको उस टैलेंट की वजह से हम उसको चेक कर पाएं और उसको हम इंजीनियरिंग फील्ड में ही उसको अपॉर्चुनिटी दें। तो कोविड की वजह से हम टेस्ट तो कंडक्ट नहीं करवा पाए, हमने मेरिट बेस पे बच्चों की सिलेक्शन की है, हम बच्चों के एडमिशन करवाते हैं डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के साथ हम एसोसिएट हैं, जिसमें हम बच्चों को 30-40% जो है स्कॉलरशिप देते हैं, और बच्चों की एडमिशन से लेकर बच्चों के पास आउट होने तक और इवन के बच्चे की प्लेसमेंट तक हम बच्चे के साथ देते हैं, ताकि बच्चे की जो निजामिया के थ्रू जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनकी प्लेसमेंट भी करवाई जाए। जी, क्या स्कॉलरशिप टेस्ट के बगैर भी अकलियत में रह रहे बच्चे या ओबीसी उनके लिए कुछ खास है? जी, जो अकलियत में रह रहे हैं या ओबीसी है एसटी के तालिबे इल्म है उनको मिलेगा स्कॉलरशिप विदाउट पासिंग द टेस्ट? नहीं, इस साल तो हमने निजामिया स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट ही नहीं किया है। बेसिकली निजामिया इस बार मेरिट बेस पे कर रहे हैं, हम किसी भी कोई कैटेगरी भी नहीं देख रहे हैं, जनरल एससी एसटी ओबीसी ये सबके लिए है। अभी हमने अपने जम्मू और कश्मीर में तो इन कैटेगरीज के लिए कुछ खास है, इस कैटेगरी के लिए खास है कि इनसे हमने फॉर्म के चार्ज नहीं लिए गए, इन बच्चों के लिए स्पेशली रिजर्व हम 10-15% सीटें इनके लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं, जैसे एससी हो गया एसटी हो गया ओबीसी हो गया आरबीए हो गया, इन इस साइड वाले बच्चों के लिए हमारे 10-15% का सीट रिजर्व कोटा रहता है। सर सर क्या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है या इसमें भी खास इंक्लूड देखा जाता है? नहीं, ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है। हमारे साथ अभी जे एंड के में तो हमारा ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, हम ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट और बिहार में 2012 से इस्टेब्लिश हैं, उसमें ना ही कास्टिज्म, कोई हिंदू कोई मुस्लिम, ये सब कम्युनिटी के लिए बराबर है। हम एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काम कर रहे हैं बच्चे और कॉलेज के दरमियान एज अ ब्रिज। ठीक है सर, थैंक यू। हमने यहाँ पे 13 जनवरी को निजामिया एजुकेशन ग्रुप ने निजामिया स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर्म लॉन्च किया था, जिसमें ऑलमोस्ट 10,000 प्लस स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर में जिन्होंने अप्लाई किया था। तो उसके बाद वो 19 अप्रैल को हमारा एग्जाम कंडक्ट होना था, लेकिन एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ। अभी हम मेरिट बेस पे सिलेक्शन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने अपना कश्मीर डिवीजन कम्प्लीट किया, वहाँ से मिनिमम 500 स्टूडेंट्स हमने सिलेक्ट किया है, जिनको अप टू 100%, जैसे हम 100% उनको अपनी तरफ से ट्यूशन फीस माफ़ कर रहे हैं, कुछ बच्चों को हम अपनी तरफ से हॉस्टल फीस माफ़ कर रहे हैं, फिर उनका 4 साल का डिग्री प्रोग्राम हो गया वो कंप्लीट करने के बाद थर्ड ईयर में उनको प्लेसमेंट रिक्वायर होती है, इस चीज़ के बारे में। प्लस अभी हमारा बच्चा जो है ये टेक्निकल एजुकेशन से बहुत पीछे है, बिकॉज लेकिन हम यहाँ पे उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे बच्चा बीए बीसीए बीएससी इसी कोर्स में इंटरेस्ट रहता है। हमारा ये विजन है कि इस बच्चे को हमें कन्वर्ट करके टेक्निकल कोर्स प्रोफेशनल स्टडीज जिनमें प्राइवेट कंपनीज के अंदर सेक्टर्स बोलते हैं उस कोर्स के अंदर, हमारा ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है उस साइड लेके जाना है इस बच्चे।